अधिकारी सरकार चला रहे, आपने ही उनका नाम लिया, एमएलए एमपी हाथ पे हाथ धर के बैठे, कोई पूछता नहीं है। कोई यहां पर एमएलए की कोई ताकत है क्या? कोई है ताकत? कोई एमपी का सुनता है क्या? तो आपके वोट का क्या मतलब है जरा मुझे समझाओ। आप जिसको चुनकर भेजते हो उसको कोई सुनता नहीं है, जिसको सुनते हैं उसको आप जानते नहीं हो, ऐसी सरकार चलने देनी है क्या? चलने देनी है क्या? आप बताओ आजकल मंच पर अकेला कौन बैठता है? मंच पर अकेला कौन बैठता है? कौन बैठता है? और एमएलए एमपी कहां बैठते हैं? कहां बैठते हैं? ऐसी सरकार चाहते हो क्या? ऐसी सरकार चाहते हो क्या? आपके मुख्यमंत्री आपसे मिलते हैं क्या? आपसे मिलते हैं क्या? आपके साथ उड़िया में भाषण देते हैं क्या? आपकी समस्याओं को सुनते हैं क्या? दिन प्रतिदिन के काम में मिलते हैं क्या? ऐसी सरकार चाहते हो क्या? ऐसी सरकार चाहते हो क्या? मित्रों, अब समय आ गया है जब उड़ीसा की जनता एक ऐसा मुख्यमंत्री ढूंढ रही है जो जवान हो, जो उड़िया का रहने वाला हो, जो उड़िया की भाषा में बात करता हो और जो दिन प्रतिदिन अपने प्रशासन को देखता हो और दिन प्रतिदिन उड़ीसा की तकलीफ को समझता हो। बोलो मैं ठीक बोल रहा हूं क्या? जरा जोर से बोलो मैं ठीक बोल रहा हूं क्या? मैं ठीक बोल रहा हूं क्या? तो आपको नौजवान मुख्यमंत्री चाहिए ना? आपको उड़ीसा का मुख्यमंत्री चाहिए ना? आपको उड़िया बोलने वाला मुख्यमंत्री चाहिए ना? आपको दैनंदिन काम करने वाला, आपकी समस्या सुनने वाला मुख्यमंत्री चाहिए ना? अगर आपको ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए तो कमल का बटन दबाई दियो, उसको दबा देना। उसको दबाओगे तो आपको विकास मिलेगा, ये मैं आपको बोलना चाहता हूँ। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।